जय प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स से संबंधित क्वेश्चंस कराते हैं। आज बच्चों हम आपको चैप्टर स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक यानी कि लघुगणक। आज इसका पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम आपको यहां पर चार फॉर्मूले बताएंगे, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। धीरे धीरे करके हम आपको कई लेक्चर्स में पूरे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे और आपको घर के लिए भी कुछ क्वेश्चन देंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर एक को, आइए देखते हैं। पहला फॉर्मूला है बेटा log a और बेस a, इसकी वैल्यू 1 होती है। याद रखिएगा, जैसे यहां पर हमारे पास आ जाए log 2 बेस 2, तो यहां पर ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक बच्चों, चलिए दूसरे फॉर्मूले को समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है log a की पावर, बच्चों a की पावर पर स्मॉल a है और बेस में a की पावर यहां पर स्मॉल b है। तो बेटा यहां पर क्या होता है, ये जो पावर a है ये रख देते हैं और यहां पर पावर जो बेस पे पावर b थी इसको बाहर रखा। फिर हमने लिखा log a और बेस a। बेटा अभी आपने फॉर्मूला एक देखा कि अगर वैल्यू हमारे पास दोनों सेम है तो इसको हम 1 कह देते हैं, दोनों सेम है इसलिए इसको 1 कहेंगे, a अपॉन b इंटू 1, तो रिजल्ट मिला a अपॉन b। यही मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया हुआ है। इसका यह मतलब होता है कि अब आप याद रखेंगे, अगर आपके पास log a की पावर a और बेस में a की पावर b आता है, अगर यहां पर a है और यहां पर भी a है, दोनों सेम है, तो याद रखिएगा ये जो पावर है ये पावर है, दोनों को अपॉन में कर देंगे, डायरेक्ट हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। आइए बच्चों तीसरे फॉर्मूले को समझ लेते हैं। पहले दूसरे और तीसरे में एक अंतर यह है कि यहां पर एक ही पावर है, यहां पर भी एक ही पावर है, लेकिन बेस में एक ही पावर b है, यहां पर बेस में b की पावर पर b है, a की पावर b लेकिन यहां b की पावर b आ रहा है। आइए बच्चों इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऊपर वाले में देखा था आपने a और यहां पर b, तो ये पावर और ऊपर नीचे की पावर को अपॉन में यहां पर लिख दिया। अब क्या बचा है, log a और नीचे बचा है log b, तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं हमारे चौथे वाले फॉर्मूले को, इसको भी समझ लेते हैं। बच्चों जो चौथा वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको देखिएगा, इसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास अगर मिल जाए log 2 बेस में 3, तो बेटा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने लिखा यहां पर log 2 और अपॉन में लिखा log 3, ये log 2 और ये log 3 हमने इसको लिख दिया इस ढंग से, ऐसे भी लिख सकते हैं। बेस में आपको यहां पर अगर बेटा यहां 10 रखेंगे तो यहां भी 10 रखना होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। यहां पर आप जो भी बेस रखेंगे वही बेस आपको यहां पर बनाना होगा। और दूसरा तरीका देख लीजिए कि log 2 बेस में 3 लिखा है, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन log, ये 2 और ये 3 अपनी पोजीशन अपना स्थान बदल लेते हैं, 3 यहां 2 की जगह आ जाता है, 2 3 की जगह हो जाता है, लेकिन 1 अपॉन में लिखेंगे। तो बच्चों इस ढंग से हमने आपको ये चार फॉर्मूले समझाए हैं। अब हम आपको इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। इस लॉगरिथमिक चैप्टर को हम कई लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ेंगे, चार चार पांच पांच फॉर्मूले पढ़ेंगे, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपको समझाएंगे और जो एनडीए एयरफोर्स नेवी में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी कराएंगे और आपको घर के लिए भी देंगे। तो बच्चों अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों मैंने आपको जो चार फॉर्मूले समझाए उन्हीं चार फॉर्मूलों पर बेस्ड हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं। आइए बेटा देखते हैं। जैसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है log 128 और बेस में लिखा हुआ है 8। बच्चों इसे हमें सॉल्व करना है, आइए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। इज इक्वल टू हमने लिखा बेटा log, ये जो 128 लिखा हुआ है और ये जो 8 लिखा हुआ है इसे हम 2 की पावर पर इसे तोड़ेंगे। तो बेटा 128 को लिखते हैं 2 की घात 7 और 8 को लिखा जाता है 2 की घात 3। क्लियर है बच्चों, जैसा आपने देखा यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, इसका यह मतलब है सीधा सीधा कि हमारा रिजल्ट ये पावर 7 और यहां पर पावर 3, हमारा रिजल्ट हो गया बेटा 7/3, ये हमारा आंसर है। हमें लगता है कि आप लोग समझ पाए हैं अच्छे से। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है log 32 और बेस में 2 लिखा हुआ है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा आप इसे लिखेंगे log, ये जो 32 लिखा हुआ है आप इसे लिखेंगे 2 की घात 5, ऐसे लिख सकते हैं, और यहां पर आपने लिखा 2, अब इस पर कोई पावर तो है नहीं, हमने इसे 1 कह दिया। अब आइए देखते हैं, यहां पर भी 2 है और ये भी 2 है, इसका क्या मतलब है, ये 5 है और यहां पर 1 है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट कितना आ गया 5। तो बच्चों log 32 बेस 2 इसकी वैल्यू हो गई 5। एक क्वेश्चन हम आपको और समझा देते हैं। जैसे हमने बेटा लिखा
यहां पर है log 81 और यहां पर हमने लिख दिया 27। क्लियर है बच्चों? आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं बेटा कैसे लिखेंगे। इसे लिखा log, ये है 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब 81 होता है और 27 को लिखते हैं 3 की घात 3। क्लियर है बच्चों? अब आप यहां पर देखिए, जैसे हमारे सामने यहां पर सेम है बेटा, ये भी 3 है और ये भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर रिजल्ट लिखेंगे तो ये लिखेंगे 4 और यहां पर है पावर 3, हमारा आंसर आ गया 4/3। तो हम आपको एक दो क्वेश्चन और समझा देते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे सामने एक और क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा हुआ है log 27, बेस में लिखा हुआ है 9, माइनस log 9 और बेस में 27 है। बच्चों अब आप इसे कुछ डायरेक्ट आप करने की आदत डालिए, आइए मैं आपको सिखाता हूं डायरेक्ट कैसे करते हैं। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है log 27 और बेस में 9, बेटा आपको ये काम मन में करना है कि ये दोनों 3 की पावर पे जाएंगे। 3 की पावर 2 करने पे 9 मिलता है, 3 की पावर 3 करने पे 27 मिलता है। तो आपको पावर याद रखनी है, 3 की पावर कितनी थी? 3 थी। 3 की पावर कितनी थी? 2 थी। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 3/2। क्लियर बच्चों? आइए इसको समझते हैं, ये मिला 3/2, माइनस लगा दिया। आप अगर इसको और इसको ध्यान से देखें तो बेटा यहां पर 9 की जगह 27 और 27 की जगह 9 है। इसका मतलब है ये बेटा इसका रिजल्ट जैसे 3/2 है तो इसका रिजल्ट 2/3 होगा। हमने यहां पर एलसीएम ले लिया 6 3 3 9 माइनस 2 2 4, बेटा हमें रिजल्ट मिल रहा है 5/6। ये हमारा जवाब हो गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? चलिए तो बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन और है, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप यहां पर इसको, ये जो लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे। बेटा अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि 3 की पावर कितना है। इसको पहले मैं अलग सॉल्व कर देता हूं। तो बेटा ये 3 की पावर कितना है? 4, और यहां पर 3 की पावर कितनी है? 1। तो 4/1 का मतलब हुआ 4। आप इसको हटा करके क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो ये आ गया log 4 और बेस में हमारे पास 2 था। क्लियर बच्चों? अब आप इस 4 को देखिए, आप इसे कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2, और यहां पर 2 की पावर कुछ नहीं है तो ये 1 है। तो हमारा रिजल्ट कितना हुआ? 2/1। तो बेटा 2/1 का मतलब हुआ 2। हमारा आंसर इसमें 2 वाला, ये ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, 2 आंसर आ रहा है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है log 16 और बेस में लिखा हुआ है √2। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों आप लोग इसे जानते होंगे कि अगर हम 2 लिखते हैं तो इस 2 में 2 बार √2 होते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि हम √2 पर अगर होल ऑफ स्क्वायर लगाएं तो यहां पर आप 2 लिखेंगे। तो बेटा 2 की पावर अगर 1 है तो √2 की पावर 2 है। अगर हमने 2 की पावर 2 लिखा तो फिर √2 की पावर इसका ठीक डबल, यानी कि पावर यहां पर 4 आएगी। अगर हम लिख देंगे 2 की पावर 3 तो बेटा अब आप सीख गए हैं √2 की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? आइए इसको देख लेते हैं। बेटा हमने इसको सॉल्व किया तो ये जो 16 लिखा हुआ है ये 2 की पावर कितना है? 4 है। क्लियर? 2 की पावर 4 है। अगर हम इसे √2 में चेंज करते हैं तो √2 की पावर कितनी हो गई? 8 हो गई। क्लियर बच्चों? और यहां पर √2 की पावर कितना है? 1 है। तो बेटा ये 8 है और ये 1 है, 8/1। इसका मतलब हुआ हमारा आंसर कितना हुआ? 8 हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए मैं आपको इसी पैटर्न पर बेस्ड और क्वेश्चन करा देता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है log 9 बेस 3, log 25 बेस 5, log 8 बेस 2। मैंने जो आपको शॉर्टकट समझाया, आइए मैं एक बार आपको और समझा देता हूं ताकि आप अच्छे सीख सकें। यहां पर बेटा हमारे पास लिखा हुआ है log 9 और बेस में 3 है। आइए समझ लेते हैं इसको कैसे करते हैं। बेटा यहां पर जैसे लिखा हुआ है 3 बेस में, इस 9 को भी बेस 3 में ही लाना होगा। इसका मतलब हुआ इसे मैं लिखूंगा तो 3 की घात 2 लिख सकता हूं, और यहां पर 3 लिखा हुआ है, इसकी पावर पर कुछ नहीं है तो आप इसे 1 लिख सकते हैं। बच्चों मेरा शॉर्टकट याद रखना, अगर यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि केवल पावर ऊपर की लेंगे और यहां पर जो पावर है उसे लेंगे तो रिजल्ट कितना होगा? 2। आपने इसको सॉल्व किया, रिजल्ट कितना मिला? 2 आपको। आइए बच्चों इसे समझ लेते हैं। इसकी जगह पर हमने लिखा 2, यहां पर प्लस लिखा। अब आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, इसे लिखेंगे 5 की घात 2 और ये 5 की घात 1। तो पावर 2 और पावर 1, 2/1, इसका मतलब हुआ इसका रिजल्ट भी 2 आ रहा है। आइए देखते हैं इसको। ये बेटा 8 है, इसे लिखेंगे 2 की घात 3 और यहां पर 2 की घात क्या है? 1। तो घात / घात 3/1, इसका मतलब हुआ 3।
3, 2, 5 और ये 2 मिलकर के 7 हो रहा है बच्चों, इसका रिजल्ट आ गया है 7। आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है लॉग 1728 और बेस में लिखा हुआ है 2√3। अब इस पैटर्न पर बेस आपको एकदम नया क्वेश्चन मिल रहा है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों ये 1728 लिखा हुआ है, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसे फैक्टर बना लेते हैं एलसीएम लेकर के। हमने 2 से डिवाइड करा दिया, ये बच्चों मिलेगा हमें 2 8 16, 1 बचेगा, 2 6 12 और 2 4 8। फिर हमने 2 से इसे डिवाइड करा देना है, 4 3 2, फिर 2 से डिवाइड करा रहे हैं, 2 2 4 216 मिल रहा है। फिर 2 से हम डिवाइड करा देते हैं इसे, तो ये बच्चों मिलेगा हमें 108। फिर हमने 2 से डिवाइड करा दिया 54, फिर 2 से डिवाइड करा दिया 27। अब ये 27 3 टाइम्स में हमें पूरा रिजल्ट दे देगा। क्लियर बच्चों, आइए अब इसे देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। ये 1728 लिखा हुआ है, अगर हम 2 को काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, ये 3 आ रहा है 3 बार, 3 की पावर 3। क्लियर बच्चों, आइए इसको आगे देखते हैं। अब हमें यहां पर ध्यान देना है बेस में लिखा हुआ है 2√3, इसका मतलब 2 पर पावर 1 है लेकिन √3 पर पावर हमें इसकी ठीक हाफ लेके आनी है। आइए देखते हैं, जैसे कि आपको दिख भी रहा है यहां पर 6 है, इसकी हाफ पावर पे है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 की पावर 6 तो ठीक है लेकिन इसे इस 3 को हमें √3 बनाना होगा। जैसा आप जानते हैं 1 3 में 2 बार √3 होते हैं, अगर 3 की पावर 3 है तो √3 की पावर 6 होगी। अब बच्चों हम इसे एक साथ लिखेंगे तो लिखा जाएगा 2√3 और होल पावर आएगी 6। क्लियर बच्चों, तो 1728 को हमने चेंज करना सीख लिया 2√3 की पावर 6। बच्चों मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, अब आप इसे देखें कि हम कैसे इसे सॉल्व कर रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं, यहां पर हमने लिखा लॉग 1728 को भी चेंज करके दिखाया आपको, इसे लिख रहे हैं 2√3 इसकी पावर पर 6 और बेस में देखा बेटा हमने लिखा हुआ है √3 और इस पर कुछ नहीं है तो पावर 1 मानी जाती। अब आप देख लीजिए ये दो सेम लिखे हुए, इसका मतलब है पावर यहां पर 6 और ये 1, तो पावर बटे पावर 6/1 हमारा रिजल्ट बच्चों आ गया 6। आपने देखा इस लेंथी से क्वेश्चन को हमने कितने कम समय में सॉल्व कर लिया है। चलिए बच्चों एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। कहते हैं ये हमारे सामने लिखा हुआ है लॉग 324 बेस में 3√2। वीडियो को आप पॉज करिएगा, इसके ठीक पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको जिस पैटर्न पर समझाया है आप उसी पर देखिए और उसी ढंग से इसे सॉल्व कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। बच्चों ये हमारे पास लिखा हुआ है 324 और बेस में लिखा हुआ है 3√2, यानी कि इसे हमें चेंज करना होगा, 3√2 की पावर कुछ ना कुछ आएगा। आइए देखते हैं, ये लिखा हुआ है 324, हमने बेटा इसे 2 से पहले एलसीएम लेना स्टार्ट किया, 2 1 कम 2 यहां पर 1 मिलेगा और ये 2 12 हो गए, 2 6 12 और ये मिल रहा है 2। फिर बेटा हमने इसे 2 से डिवाइड कर दे रहा है, ये 81 मिला। अब ये 2 से नहीं जाएगा, इसे 3 से करेंगे तो 3 से बेटा पहाड़ा पड़ेंगे तो ये 27 आएगा। फिर 3 से हमने डिवाइड करा देना है, 9 आएगा। फिर ये 3 से डिवाइड करा दिया और ये हमें मिला 1। तो बच्चों अब देखिए 324 को हमने एलसीएम जब लिया तो 2 की पावर हमें मिल रहा है 2 और यहां पर हमें 3 की पावर पर मिल रहा है 4। क्लियर बच्चों, आई होप सभी को समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं, अगर ये 2 की पावर 2 है, जैसा मैं पहले इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, 1 2 में 2 बार √2 होते हैं। अगर 2 की पावर 1 लेंगे तो √2 की पावर 2 होगी, अगर मैं 2 की पावर 2 करूंगा तो √2 की पावर 4 होगी, अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूंगा तो बेटा √2 की पावर 6 हो जाएगा। आपने देखा ये 1 है तो यहां डबल है, यहां 2 है तो इसका डबल 4 है, यहां 3 है तो इसका डबल 6 है। आई होप सभी को आ रहा है। आइए देखते हैं, ये 2 की घात 2 है तो इसका मतलब हुआ √2 की घात 4 हो गया, मल्टीप्लाई में 3 की पावर पर 4 लिखा हुआ है। बेटा अगर पावर पावर दोनों सेम है तो हम इसको एक साथ लिखेंगे 3√2, ये 3 और ये √2, आगे पीछे को हम वापस पलट के लिख दिए हैं और पावर 4। तो बेटा जी 324 को हमने लिखा 3√2 की पावर 4। अब मैं इसको रफ करके आपको समझा देता हूं। आइए देखें, जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था बेटा, ये हमने क्या काम किया, यहां पर हमने लिखा लॉग 324 को हमने देखा, यहां पर लिखा जा रहा है 3√2 और इसके ऊपर पावर पर बेटा लगा हुआ है 4, यहां पर बेस में है 3√2। अगर पावर कुछ भी नहीं है तो हम इसे 1 कह देते हैं। बेटा मैं आपको ऐसे कई क्वेश्चंस करा चुका हूं शॉर्टकट में कि जवाब होता है पावर अपॉन पावर, 4/1, यानी कि हमारा जवाब आ गया 4।
आई होप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वीडियो को रोक करके पहले आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा, मैं उसके आंसर्स भी लिख दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, लॉग के चार फॉर्मूले बताए, इसका लेक्चर आपको पहला डिस्कस किया, से कई क्वेश्चन कराए इस लेक्चर में। बच्चों मैंने आपको यहां पर 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आंसर्स को बिना देखे पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, देन उसके बाद आप आंसर्स से अपना मिलान करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।